महोदय वर्चुअली आम सहित उपस्थित हेबे अनुरोध रहिला ताली देवारे जेमती गजपति जिल्लावासी कार्पण्य न करती मानवर मुख्यमंत्री पाखे आमर भल पाइबा दर्शाइबार गोटे सुंदर माध्यम होउची आम करताली आम कृतज्ञता मिशन शक्तिर माँ मैंने अच्छा जनदेक चाहिए लक्ष्मी बस को सफल करिबारे सहभागिता रहिबो मिशन शक्तिर माँ मानकर ये मध्य गोटे बहुत सुंदर पदक्षेप राज्य सरकार तरफ जो माँ मैंने केवल निरापद भुवनेश्वर पहुँचबेनी माँ मानकर निश्चित भाव में सहभागिता रहिबो स्वावलंबी होबार कौटि ना कौटि तांको गोटे नुआ रास्ता मिलिबो लक्ष्मी बस जरिया प्रथम पर्यायर गजपति को 36 नुआ बस मिलुची केवल से नुह 64 बस स्टॉप्र पुनर्निर्माण कार्य आरंभ हो सारी 69 नुआ बस स्टॉप्र निर्माण पाई राज्य सरकार तरफ आमको अनुमति मिली माने 7 ब्लॉक गोटे म्युनिसिपैलिटी गोटे NSC एवं 148 ग्राम पंचायत एवं निरंतर भाव में जोड़ी विकास प्रक्रिय लक्ष्मी बस सहित जो सहज भाव सुरक्षित भाव सबुठ कम दाम रे गजपति जिलावासी एथर भुवनेश्वर में पहुँच पारे ए स्वप्न मानवर मुख्यमंत्री महोदय प्रत्येक एभली सफल योजना सहित राज्य को विकास आउ गोटे नूतन शिखर में पहुँचाउंट मानवर मुख्यमंत्री महोदय तेरे मुझे चाहिए राज्य सरकार परिवहन विभाग पर जोटी एत परिश्रम कर गोटे बड़धरणर योजना को सफल करने ताली गोटे आज्ञा हवा निहाती दरकार कैन वी हाव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कहीं एभली योजना आज्ञा केवल आउ केवल ओडिशा रे ही सफल हो पारे आम समस्ते अति आग्रह सहित उत्साह सहित अपेक्षा करिछु माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित अल्प समय प्रतीक्षा समस्त अनुरोध शांति श्रृंखला रक्षा करेंगे जेतेबेले माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्चुअली आम सहित उपस्थित हेबे एही मंच रे मिशन शक्तिर माँ मान अनुरोध टिके हुळुहुळी देबे कहीं आम संस्कृति रे हुळुहुळीटा को मांगलिक भाव में विवेचना कराए आ जो माँ मान भल पाइबा अच्छी माँ मान आशीर्वाद अच्छी आज लक्ष्मी बस र शुभ आरंभ निश्चित भाव गजपति जिला गोटे नुआ सका शुभारंभ ठारू कौन गुण से कम नुह एवं साधारण लोक मैंने साधारण भाव अधिक पैसा खर्च नक सुरक्षित भाव केमती राजधानी भुवनेश्वर को पहुँची पारे से दायित्व नहीं राज्य सरकार अल्प समय प्रतीक्षा पुणि थे समस्त अतिथि मान मंच स्वागत करुचु अल्प समय मध्य आम गण से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हेबे कार्यक्रम समय रे शांति श्रृंखला रक्षा करने समस्त को अनुरोध करिबु गोटे बहुत बड़ दिन आज जिल्ला गजपति जिला सबुबले कला साहित्य संस्कृति रे सारा ओडिशावासींकर मन किणी आज लक्ष्मी बस रो आरंभ घरे घरे लक्ष्मीर ए स्लोगान कौटना कौटि समस्त घरे विकासर उन्नतिर गोटे नुआ माध्यम पहुँचेब जो 36 नुआ बस राजधानी जीव राजधानी रु अनेक स्वप्न नहीं फेरब आम जुवपीढ़ी कौटना कौटि बड़ स्वप्न देखिबार साहस पाइबे आम माँ मैंने बहुत सहजरे राजधानी पहुँचार स्वप्न को सत करें भुवनेश्वर आउ गजपति ठारू बेसी दूर नुह से विश्वास समस्त पाखे पहुँचब ताही होची प्रकृतरे लक्ष्मी बस पछरे राज्य सरकार जो ऑब्जेक्टिव रही ताया कि साधारण जनता राजधानी दूरता जिते कम हो पार विकास से शीघ्र प्रत्येक जिले में पहुँची पार जहाँ आज राज्य सरकार प्रस्तुत करिछंती प्रत्येक गाँव को प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ीबार एक नियारा प्रयास जोठी राज्य सरकार तरफ समस्त चेष्टा करा जाउछी कोभली भाव साधारण जनता
सुंदर निरापद सुरक्षित गमनागमन व्यवस्थार सुविधा नहीं पारे तापुणी सठिक मूल्य गजपति जिला अति उत्साह सहित अपेक्षा करज प्रिय मुख्यमंत्री महोदय को जहाँ उपस्थिति सहित आम सभा कार्य को आरंभ करू जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार कार्यक्रम का आरंभ करिवा पे अनुरोध करुछि धन्यवाद सम्माननीय करताली सहित हुळहुळी सहित स्वागत करंतु आपनको प्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ए भले पाइबा गजपति जिल्ला रो ए भले पाइबा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पाइ एथि सहित आजि लक्ष्मी बस सेवार शुभारंभ होगाक उत्साहित आनंदित गजपति जिला माननीय मुख्यमंत्री मुहरें से हस जड़े दौर आपण खुशी रे तांकर खुशी समय स्वागत अभिभाषण अनुरोध करी अध्यक्षा स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल गजपति सम्माननीय मरियम रईत महोदया स्वागत अभिभाषण प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक को मोहर नमस्कार गजपतिवासी आज खुशी दिवस एवं गजपतिवासी माननीय मुख्यमंत्री पाखे चीर ऋणी जेहेतु लक्ष्मी बस सेवार प्रथम पर्यायर छटी जिला मध्य गजपति जिला को सामिल कर गजपति जिलार भौगोलिक स्थिति जहाँकि पहाड़ एवं जंगल परिपूर्ण यही जिला आदिवासी अधूषित जिला जो प्राय 60 भाग जनसाधारण आदिवासी अटंती एही जिला रे लक्ष्मी बस सेवा आरंभ हेबाकू जाउथिबारु जिलावासी अत्यंत खुशी अटंती कारण गमनागमन रे जिला रे ऐतिहासिक परिवर्तन हेबाकू जाउछि जा फल रे
कि जिल्लार आदिवासी लोकमानंकर सामाजिक एवं अर्थनैतिक क्षेत्र रे उन्नति आनी पारिब। केवल सेतिकी नुहे, मान्यवर मुख्यमंत्री आम जिल्लार 64 पुराणा बस स्टॉप रो मरामती एवं उन्नतीकरण हाथ को नहीं थिला बेले 69 नूतन बस स्टॉप रो निर्माण पाई व्यवस्था करिसंती। आउरी सबुठारु बड़ कथा, बस गुड़ी को चलाइबा पाई मिशन शक्तिर माँ मानंकु दायित्व दिया जायछि, जहाकि माँ मानंकर आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबा सह से माने स्वावलंबी होइ पारिबे। मान्यवर मुख्यमंत्री समय रे गजपति जिला उन्नति दिगरे अग्रसर होउथिला बेले लक्ष्मी बस रो शुभारंभ जिल्लार उन्नति दिगरे आउ एक पाद आगकु बढ़िबो। जल संपद परिवहन ओ वाणिज्य विभाग रो माननीय मंत्री श्रीमती टुकुनी साहू महोदयंकु मोहर नमस्कार एवं बहुत खुशी लागुची जे एही शुभ दिन रे माननीय मंत्री आम पाखरे अछंती। माननीय सांसद ब्रह्मपुर श्रीजुक्त चंद्रशेखर साहू महोदय को मोहर नमस्कार एवं अभिनंदन जे से आज आम पाखरे उपस्थित अछंती। माननीय विधायक श्रीजुक्त के नारायण राव महोदय को मोर नमस्कार एवं अभिनंदन जे से मध्य आज आम पाखरे उपस्थित अछंती। सभापति जिला परिषद गजपति श्रीजुक्त घाबरा तिरुपति राव महोदय कुमार नमस्कार एवं अभिनंदन। जिलापाल गजपति महोदय कुमार अभिनंदन जे तांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे एही शुभारंभ कार्यक्रम आरंभ होइछि। उपस्थित समस्त पंचायत राज अनुष्ठान रो प्रतिनिधि को मोर नमस्कार सहित अभिनंदन एवं स्वागत। उपस्थित हजार हजार गजपतिवासी यथा स्वयं सहायिका गोष्ठी ओ मिशन शक्तिर भौणी ओ माँ मैने विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान छात्र छात्री मैने व्यवसायी बंधु चाषी भाई मैने पारला सहरवासी एवं सरकारी कर्मचारी को मोहर अभिनंदन एवं स्वागत। समस्त कार्यक्रम को लोकमानंक पाखरे अति कम समय मध्यरे पहुंचाउथिबा प्रिंट ओ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रो बंधु मानंकु मोहर नमस्कार सहित अभिनंदन एवं स्वागत। धन्यवाद। कुटुबी वैवस्विन वंदे उत्कल जननी। स्वागत अभिभाषण पर धन्यवाद श्रीमती रईत महोदया। कोभली भावरे लक्ष्मी बस सेवा जरिया रे गजपति रो विकास रे एक नुआ अध्यायर आरंभ हम आसतु देखा एक विशेष क्षुद्र चित्र जरिया रे। कैन वी हैव द एवी प्लीज। देशर अनेक क्षेत्र में अग्रणी राज्य भाव में बेस परिचित आम ओडिशा। स्वास्थ्य शिक्षा नारी सशक्तिकरण कृषि जलसेचन खाद्य सुरक्षा विपर्यय परिचालना भली अनेक क्षेत्र में निजर उत्कृष्टता प्रमाण कर सहित जोड़ी नुआ एक ऐतिहासिक पदक्षेप। आम सरकार आम जीवन में जोड़ुछंती उत्तम साधन जहां आम जीवन गतिपथ को बदलाई देव भरी देव नूतन संभावना बढ़ाई देव जीवन धारण मान। एहा द्वारा केवल ओडिशावासी नुहंती समृद्धिर शीर्ष को छुईब आम ओडिशा। ताहा हेउछि आम प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक दूरदर्शी योजना लक्ष्मी। लक्ष्मी माध्यमरे राज्यर दुर्गम अपहंच अंचल सहित समग्र ओडिशावासी पाइबे आंतर्जातीय मानर बस सेवा। एहा केवल लोकंक गमनागमन को सुगम करिब ताहा नुहे, बरम ओडिशावासींक जीवनर मोड़ बदलाई भरी देव स्वतंत्रता प्रगति एवं आनीदेव आर्थिक और सामाजिक उन्नति। ओडिशार प्रत्येक ग्रामांचल को एबे सहरांचल सह जोड़िब लक्ष्मी बस। सबुठारु बड़ कथा हेउछि साधारण लोकटीर कथा को मनरे रखी आम सरकार बस भड़ा को सुलभ करिछंती।
लक्ष्मी बस्र परिचालनाकु अधिक उन्नत ओ सर्वश्रेष्ठ करिबा पई जिल्लागुडिकर वरिष्ठ कर्मचारीकु भारतर अन्यतम श्रेष्ठ ट्राफिक तालीम अनुष्ठानरे करा जायछि प्रशिक्षित। आजि नव ओडिसार निर्माता प्रिय मुख्यमंत्री द्वारा 5G अवलंबन में मालकानगिरि जिल्ला परे गजपति जिल्लारु लक्ष्मी बस सेवार शुभारंभ करा जाउछि। एबे गांर प्रत्येक जीवासीबा हेबो आहुरी सुगम, अनायस यात्रा देव आहुरी तृप्ति, ओडिसावासी जीवन को आहुरी अधिक सुखरे भरीदेव लक्ष्मी बस, समस्त साथी और सारथी साजिब लक्ष्मी, घरे घरे लक्ष्मी। समृद्ध करिब घरे घरे लक्ष्मी पहुंचेब लक्ष्मी बस, एते सुंदर योजना पई आज्ञा गोटे बड़ ताली रो आवश्यकता निश्चित भाव अच्छे। धन्यवाद गजपति जिला। अनुरोध करी सभापति जिला परिषद गजपति श्री जी तिरुपति राव महोदय को निजर अभिभाषण रखिबे। माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय को मोर नमस्कार। गजपति बास तरफ माननीय मुख्यमंत्री को मु स्वागत जनवा सह धन्यवाद जनाऊँगी। ओडिशा द्वितीय जिला हिसाब से गजपति जिलार लक्ष्मी बस सेवा आरंभ करने जा जल संपद परिवहन और वाणिज्य कल्याण मंत्री श्रीमती टुकनेश महोदय को मोर नमस्कार। एवं बहुत खुशी लगुच्छी जे यही शुभदिन मनिवर मंत्री आम पाकर अच्छा मनिवर संसद ब्रह्मपुर श्रीयुक्त चंद्रशेखर साहु महोदय को मोर नमस्कार एवं स्वागत जनाऊँ। से जे मध्य शुभदिन आम पाकर उपस्थित अच्छा मनिवर विधायक के नारायण राव विधायक को मुझे स्वागत एवं धन्यवाद जनाऊँ। सी आवरी मंच आसीन होती जिलापाल गजपति महाशय को मु स्वागत सह धन्यवाद देवी जे जिला समस्त कर्मचारी यही कार्यक्रम सफल करार योजना करपस्थित समस्त पंचायत राज अनुष्ठान प्रतिनिधि मानको मोर नमस्कार सहित तो अभिनंदन जनाऊँ। उपस्थित समस्त माँ भौनी एवं भाई मानको स्वागत जनवा सह अभिनंदन जनाऊँ। समस्त कार्यक्रम को जनसाधारण पाखक पहुँचाई मो संवादिक भाई मानको स्वागत एवं अभिनंदन। ओडिशा छेड़ छारी जनतार जननेता तथा प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक गजपतिर विभिन्न वर्ग लोकों पर विभिन्न योजना जहीपरी SHG माँ मानक स्वावलंबन मिशन शक्ति माँ मानक स्कूटर योजना प्रति गाँव में पीवा पानी सुविधा मेगा वाटर सप्लाई समस्ते विद्यालय को 5G स्कूल रूपांतरीकरण करिवा उपलक्ष्ये महाविद्यालय 5G रूपांतरकरण कार्यक्रम अंतर्भुक्त करपटे जिलार समस्त वाटरफॉल ऐतिहासिक पर्यटक स्थल महेन्द्रगिरी एवं एशिया द्वितीय बृहत्तम बौद्ध मंदिर उन्नति पर आवश्यक अनुदान प्रदान करम गाँव दिन गजपतिर प्रत्येक पर्यटक स्थल को भ्रमण करवाई पर्यटक छुआ छुटे आज आउ गोटे माइलकुंटा गजपतिवासी अतिक्रम करने जाकि ग्राम पंचायत ब्लॉक एवं जिला माध्यम रे गमनागमन सरल एवं सुविधा करने एनु माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक एवं 5G शशि पांडेना मोर कृतज्ञता जनाऊँ एवं समस्ते अतिथि बंधु मानू मु धन्यवाद जनाऊँ। विभिन्न गाँव रु आसिकी ये कार्यक्रम सफल करते
मिशन शक्ति एवं भाई भौनी मानंकु जिला तरफ धन्यवाद जनाउछि। प्रति ओक्का कार्यकर्ता महिला अंदर यह कार्यक्रम जयप्रदम चेसिनंदुकु जिला तरफ मी अंदर की धन्यवाद तेलियजेस्तुन्नानु। कुड बी लिंक्ड इन वंदे उत्कल जंडी, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीयुक्त राव महोदय। आम गण उपस्थित सम्माननीय विधायक पारलाखी मुंडी श्री के नारायण राव महोदय को अनुरोध करी निजर वक्तव्य रखिबे। आज गजपति जिले में लक्ष्मी योजना आरंभोत्सव माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महोदय आम जिला को आसीबा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर टुकनी साहू मैडम माननीय एमपी चंद्रशेखर साहू महोदय आमर जिला परिषद चेयरमैन गवर तिरुपति महोदय आमर एसडीसी चेयरमैन मैडम आसीबा समस्त पीआरएम मेंबर्स भाई भौनी माँ बापा आ जिलापाल महोदय एसपी महोदय प्रशासन जो माने बहुत परिश्रम करके सब अरेंज मीडिया बहुत प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समस्त मोर नमस्कार धन्यवाद। बहुत खुशी विषय माननीय मुख्यमंत्री आम को फर्स्ट फेज रे जो छोटा जिले रे ए लक्ष्मी बस चलो सीटा को माननीय मुख्यमंत्री आम गजपति जिला के भी दे जो द्वारा कि मान गरीब लोक बहुत उपकृत हे कहीं प्राइवेट बस रे जो जगह माने इटू माने जाजपुर जी दस टंका हम कि ये बस रे गले पांच टंका आपन जाई परबे गुनपुर जो जिबे गुनपुर जो जिबे प्राइवेट बस रे 70 टंका लागिवो किंतु ये बस रे 30 टंका लागिवो मारे लोकन के पाए बहुत सुविधा प्रोग्राम किंतु माननीय मुख्यमंत्री को मु गोटे अनुरोध करबे आमे जिला रे प्राइवेट बस प्राय 100 टा अछि से 100 टा बस भी माने लोन रे आनी की बहुत माने दरिद्र अवस्था रे चलाउचंती बहुत नष्ट रे चलाउचंती तांके पाकरे कंडक्टर बस क्लीनर ड्राइवर चक्कर हेल्पर टायरमैन आ तापर मैकेनिक ये सब जाक तांके बुझचंती ये योजना द्वारा तांके बहुत आउरी असुविधा दरिद्र आसी जिबे तेना माननीय मुख्यमंत्री को आमर ट्रांसपोर्ट मंत्री को अनुरोध करी तक विषय भी देखते यहाँ लोकर सुविधा कर मना करनी धन्यवाद दूची आम जिला तरफ आम समस्त तरफ किंतु विषय भी टिके मान चिंता करी भी जमी असुविधा हेनी कहीं भी आम लोक आम ओडा लोक भी जमी नष्ट कुटुंब जमी दरिद्र हो रोड पर पड़े से हिसाब से देखिए बोली मुझे अनुरोध करी मुझ जिला तरफ मो तरफ समस्त तरफ माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद श्रीयुक्त राव। आम सहित उपस्थित अच्छा ब्रह्मपुर माननीय सांसद श्रीयुक्त चंद्रशेखर साहू महोदय अनुरोध करी निजर वक्तव्य रखिए। समस्त को नमस्कार। आज गजपति जिला पाई एवं आम समस्त अति शुभ दिन एवं खुशीर दिन माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार 4.5 कोटि जनतार मौड़मणि जी कि 4.5 कोटि जनता को मोर निजर परिवार बोली मानी गोटे पर गोटे योजना कर जनहितकर योजना से माननीय मुख्यमंत्री नवीन बाबू आज गजपति जिला को प्रथम पर्यायर लक्ष्मी बास शुभारंभ करने को अल्प समय पर जाम गहन मंच आम समस्त प्रिय ओडिशार माननीय
मंत्री श्रीमती टुकनी साहू जे कि बहु कष्ट स्वीकार करी एठारे पहुंची चंती एही कार्यक्रम रे जोग देबा पाए तांकु मु अशेष अशेष धन्यवाद दउची। आम गहन रे अछंती माननीय विधायक पल्ला खेमंडी के नारायण राव जे कि आपण मानकु तांकर वक्तव्य अति सुंदर भाव रे दैछंती। आम गहन रे जिला परिषद रा अध्यक्ष तिरुपति बाबू से मध्य आपण मानकु उद्बोधन दैछंती एवं स्वागत भाषण देचंती एसजीस चेयरपर्सन मैडम मारियम रोहित आम गहन रे जिलापाल एसपी महोदय समस्त तांकर स्टाफ एवं पीआरआई मेंबर्स ब्लॉक चेयरमैन जिला परिषद एवं आमर सरपंच समिति सभ्य वार्ड मेंबर सब पीआरआई मेंबर्स एवं अन्यान्य जनप्रतिनिधि माने पल्ला खेमंडी मान्यगण्य व्यक्तित्व माने सबुठ बड़ कथा हला आज ओडिशा प्रदेश गठन मुख्य धारा जी एवं ओडिशा प्रदेश गठन पाई जहां अवदान अशेष अशेष रही दायित मैडम कल्याणी देवी राजपरिवार आम पाखे अच्छा आज एवं उपस्थित समस्त मान्यगण्य व्यक्तित्व माने एवं प्रति पंचायत स्तर गाँव स्तर आसता भाई और भौनी माने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया बंधु माने आज प्रथम पर्यायर मालकानगिरी परे माननीय मुख्यमंत्री जहां पिता प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक पिता यही पल्ला खेमंडी सहित गजपति सहित एवं गजपति परिवार सहित निविड़ संपर्क अच्छी जहां कोई माननीय मुख्यमंत्री अति भल पाती गजपति जिला को जिते बीएसक्वाई कार्ड प्रदान करागला सेतबेले तार प्रमाण देथिले निजे माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित रही बीएसक्वाई कार्ड बांटिथिले हेल्थ कार्ड बांटिथिले सेहिपरी लक्ष्मी बास 133 टा स्टॉपेज एवं 36 टा रूट रे बस चलिबा 36 टा बस अछि एवं 133 टा भितरु वर्तमान अधारु अधिक कार्यक्रम सरलाणी एवं बाकी कार्यक्रम करिबा पाई मध्य आदेश दिया जाइछि। ए बस गारु पंचायत पंचायत रु ब्लॉक कु जोडिबो जोटा कि केवल गमनागमन तारुए या सहित जो माने गाँ गंडा रे गरीब चाषी माने खटिकिया मुलिया माने आदिवासी संप्रदाय व्यक्तित्व माने आमर चाषी भाई माने तांकर जो प्रोड्यूस करचंती जो जिनस आदाय करचंती ताकू उचित मूल्य पाइबा पई मध्य ब्लॉक स्तर जाई पहुंच पारिबे एवं एई पास द्वारा ता उपकृत हेबे। तेणु आज जदि आपण देखिबे ओडिसार गमनागमन जेते गमनागमन अछि आपण देखिबे सबु पथ स्टेट हाईवेज जुआर देखिबे मालकानगिरी देखंतु ठू धरी गजपति कौन गजपति आगु को जेते अनुन्नत जला जहाँ कह जाऊला आगे से सबुटे वर्तमान अति सुंदर रोड अति सुंदर रोड आज अति सुंदर रोड। तेणु मु आशा करी जे माननीय मुख्यमंत्री जो भाव ओडिशार विकास पाई एवं जाकुके खुद प्रधानमंत्री ओडिशार विकास को प्रशंसा करचंती माननीय मुख्यमंत्री की प्रशंसा करचंती माननीय मुख्यमंत्री योजना को गोटिके पर प्रशंसा करचंती एवं अन्य राज्य रे ताकु लागू करिया पे आदेश मते दैचंती सही बोल जने मुख्यमंत्री आज आम ग्राउंड रे अछंती जे कि केवल ओडिशा लोक को सेवा करिया चाहिचंती। तेणु माननीय मुख्यमंत्री दीर्घ जीवन कामना करी प्रभु जगन्नाथ
दीर्घायु करंतु एहिपरि ओडिशार सेवासी करुथांतु एवं ओडिशा वासींकर सेवारे सी जतिकी खुशी पाउछंती ओडिशा वासी मध्य तांक पाई सेतिकी अत्यंत खुशी। माननीय मुख्यमंत्री सबुबेले जगतनाथ जगन्नाथंकु भल पाइछंती एवं आज लक्ष्मी से जगन्नाथंकर द्वितीय मारे मारे जगन्नाथंकर पत्नी एवं बिना लक्ष्मी रे जगन्नाथ किसी नुहंती तेणु माननीय मुख्यमंत्री ताकू आखि आगे रखी ए लक्ष्मी योजना करिसंती आम घरे घरे लक्ष्मी आज पहुंचाइछंती आटू खुशी आउ कौन है पारे तेणु मु आपण मान समस्त तरफ रु गजपति जिलावासी तरफ रु माननीय मुख्यमंत्री को कृतज्ञता ज्ञापन करछे अशेष अशेष धन्यवाद दउछे। आशा करी जे माननीय मुख्यमंत्री एहिपरि गजपति जिलावासी को गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे नूतन योजन सामिल कर आशीर्वाद करतांतु एवं आम खुशी सी खुशी सामिल हुवंतु समस्त को पुणी थरे गोटे दुईटा स्लोगान रे मोर वक्तव्य शेष करी जय जगन्नाथ सुबिलानी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद नमस्कार वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय आपणकर मार्गदर्शन रहिले निश्चित भावे गजपति जिले में लक्ष्मी बस सफलता बहुगुणित हम से सन्देह अवकाश ना अनुरोध करी सम्माननीय मंत्री जलसंपद एवं वाणिज्य और परिवहन श्रीमती टुकुनी साहू महोदया को निजर अभिभाषण रखिबे। जय जगन्नाथ। आज गजपति जिले में आयोजित होता आज लक्ष्मी भली गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति माननीय मुख्यमंत्री जो भली भाव में आज लक्ष्मी योजनार शुभारंभ करा जाउछि सेही अवसर रे सभारे भर्चुआल जोगे उपस्थित थिबा 4.5 कोटी जनमानस नेता भारत वर्षर श्रेष्ठ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच रे उपस्थित माननीय सांसद माननीय विधायक एसडीसी चेयरमैन जिला परिषद चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री पाखे उपस्थित आमर 5T सेक्रेटरी परिवहन विभाग समस्त वरिष्ठ अधिकारी माने जिला प्रशासन समस्त अधिकारी माने आउ लक्ष्मी भली आज माँ लक्ष्मी आविर्भाव होता गजपति जिले में एठी प्रति घरे लक्ष्मी प्रति परिवार रे लक्ष्मी घरे घरे लक्ष्मी की उपलब्धि करूथिबा मोर सब माँ भौनी गुरुजन मानकु आज दिवस रे मु बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन आपण मानकु मो कोटी कोटी जुहार जणौछि काहेकि ना सशक्त ओडिशा समृद्ध ओडिशा गतिशील ओडिशा जो ओडिशा को आज माननीय मुख्यमंत्री केवल ओडिशा भितर सीमित कर रखिना माननीय मुख्यमंत्री भल पाई ओडिशार 4.5 कोटी जनमानस को प्रत्येक घरे सशक्त ओडिशा प्रत्येक योजना को पहुँचवा लगी लक्ष्य रखी आज भारत वर्षरे जड़े श्रेष्ठ मुख्यमंत्री भाव से जो प्रतिपादन हो आज एत जनसमगम भितर मो हृदय कोटि कोटि जुहार जनाऊँची आ मो बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँची। ये लक्ष्मी योजना जो योजना मध्यम आम समस्ते जाचु गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति माननीय मुख्यमंत्री जदि परिवार रे झीटे जन्म हुए ताकू लक्ष्मी भाव रे प्रतिपादन करा जाए जदि घर को बहुटे आसी ताकू लक्ष्मी भाव रे आख्या दिया जाए जदि जो घरे माँ उपस्थिति अच्छी ताहले से माँ को लक्ष्मी भाव रे समस्ते उद्बोधन दिखती कहीं माँ माने होंगे लक्ष्मी स्वरूप आज एत बड़ ऐतिहासिक निष्पत्ति माननीय मुख्यमंत्री गजपति जिले में नहीं थी एटी उपस्थित थिबा मोर सब माँ भौनी मानक मु अनुरोध करी गोटे हुळहुळी माध्यम माननीय मुख्यमंत्री की संबोधन करवा आ भाई मानक अनुरोध करी कलातारी माध्यम माननीय मुख्यमंत्री की उत्साहित करवा ये लक्ष्मी योजना आज गाँव रु पंचायत को एवं पंचायत रु ब्लॉक को जोड़ आम भितर आस्था जोड़ भल पाइब जोड़ आम को एकतार जोड़ जो भाई भाव में माननीय मुख्यमंत्री आज निष्पत्ति नहीं समस्ते जानी थे जे माँ माने जो भाव घर कोण
आज आग को आनी आज से माँ मैंने व्यवसाय करें मिशन शक्ति सब प्रकार सुजोग दि जाइए जदि माँ टे सशक्त ओडिशा सशक्त जदि माँ सशक्त परिवार सशक्त गजपति जिला सशक्त से माँ मैंने आज व्यवसाय करने लगे ब्लॉक को आसबे से माँ मानक लगे बस भड़ा रहिबो मात्र पांच टंका जो पांच टंकारे माँ मैंने आसबे ब्लॉक स्तर में पहुँचे हॉस्पिटल को जिबे व्यवसाय करबा लागि जिबे आउ शिक्षात्री माने आसीबे जेते बळे ब्लॉक स्तर रे पहुँचिबे फिजिकल हैंडीक्राफ्ट थिबा जो भाई माने भौणी माने अछंती मात्र पांच टंका रे ब्लॉक स्तर को आसी पारिबे खाली लक्ष्मी योजना रे आपण मन पाखरे बस पहुँचिबनी आपण मन पाखरे समृद्धि पहुँचिबो आपण माने सशक्त हेबे सशक्त ओडिशा नवीन ओडिशा जो नवीन ओडिशा रे आपण माने अछंती मु सेमानकु सेही गोटिए कथा कहिबी आज प्रत्येक ब्लॉक रे उन्नत मानर बस स्टैंड प्रत्येक जगार उन्नत मानर बस स्टॉप एभली चिंता भारत बर्षरे कौनसी राज्य करनी आज जदि से ही राज्य करिछि गोटे राज्य ओडिशा राज्य आज से ही ओडिशा को भारत बर्षरे नहीं पहुँचाई आमर प्रिय मान्यवर मुख्यमंत्री जहाँ कथा खाली कम आउ से ही सरल मनोभाव से ही उदार चिंताधारा जहाँ निजर परिवार कथा चिंता करना सबुबले चिंता कर साढ़े चार कोटी ओडिया कौली भाव में भल रे प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद नहीं से ओडिशा को कौली भाव में गोटे सशक्त ओडिशा गठन करने को सुजोग आज विकास पर विकास आज ओडिशार प्रत्येक क्षेत्र में विकास आज रोड रास्तार उन्नतिकरण देखु आज पानी जल समस्या कथा देखु आज जदि विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना आरंभ है मुतबाला मान्यवर मुख्यमंत्री को निर्देश आसी एटी गुमा ब्लॉक रे बुली थी विजु स्वास्थ्य कल्याण बांटी मोर माँ मानक पाखरे से ही 10 लाख टंकार उपहार जो उपहार मान्यवर मुख्यमंत्री देसंती उपहार पहुँची जदि माँ परिवार को संभालुची से ही परिवार को कौली भाव में सशक्त करिबो निज पिला छुआ को देखिबो निज परिवार को सशक्त करिबो आउ समाज क्षेत्र रे से आगु आसिबो आज से ही महिला मानकु बस रो परिचालना दायित्व दिया जाउची आज जदि गजपति जिलार जो भली भाव रे किए बस रे कंडक्टर हो पारे किए बस ड्राइवर हो पारे किए परिचालना दायित्व रे रही पारे आम पाखे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिसंती आमर प्रिय मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज उन्नत मानर बस स्टैंड जो बस स्टैंड केबे आमे स्वप्न रे भाबी नथिलु आज सारा ओडिशार प्रत्येक ब्लॉक रे उन्नत मानर बस स्टैंड आज मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निष्पत्ति रे हेछि आज से ही गतिशील ओडिशा सशक्त ओडिशा आज जो भली भाव रे रूपांतरण कार्यक्रम को मान्यवर मुख्यमंत्री को निर्देश रे मु धन्यवाद दौची आमर 5T सेक्रेटरी VK पांड्यान सार को से जो भली भाव रे अहरह परिश्रम करिसंती आउ ओडिशा सरकार को प्रत्येक योजना को तृणमूल स्तर रे पहुँचाई ए होउची नवीन ओडिशा जो नवीन ओडिशार आपण माने सामिल होती मान्यवर मुख्यमंत्री को 23 वर्ष धरी ओडिशार सरकार गठन करबा लागि आपण माने सुजोग देसंती आपण को भल पाइबारे जेते बळे 99 महाबात्या हेतिला सारा ओडिशा को छारकार करि देतिला सेते बळे आपण मानकर मने थिबो उपकूल ओडिशार बहुटे जिला क्षतिग्रस्त होता से ही समय मान्यवर मुख्यमंत्री आविर्भाव होता 2000 मसीह आज 2023 आज सशक्त ओडिशा जो भली भाव में आग को बढ़ी निश्चित भाव में धन्यवाद देवी कोटि कोटि प्रणाम जनईबी मान्यवर मुख्यमंत्री को आज प्रति क्षेत्र में उन्नति करी गाँ को पा आज चाष क्षेत्र को पा आज गाँ रास्तार उन्नतिकरण आज शिक्षा क्षेत्र उन्नतिकरण आज प्रत्येक योजना को सफल रूपायन करुवा आमर प्रिय मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय को मुठी गजपति जिले उपस्थित थिबा समस्त तरफ कोटि कोटि प्रणाम जनईबी आज निश्चित भाव जो भली भाव रे ए क्षेत्र रे आमे आगु को जाउछु मो गोटे कथा कहबी एते योजना ताकु विरोध काहीं की विरोध करकी विरोधी माने विभिन्न प्रकार आक्षेप करुछंती आसंतु आमे मिली मिसी ओडिशा को आगे नबा आम भितर भाईचारा रखिबा एकता रखिबा भल पाइबा रखिबा मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हाथ मुठा को टाण करिबा पुणी थरे तांकु षष्ठ थर कोभली भाव रे ओडिशा रा शासन क्षेत्र रे बसेई ए ओडिशा को गोटे सुवर्ण ओडिशा रे सशक्त ओडिशा रे गतिशील ओडिशा रे नै भारत बर्षर गोटे श्रेष्ठ ओडिशा गठन राज्य रे करिबा लागि तांकु सुजोग
ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭରି ପ୍ରତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଶକ୍ତ ହେବ ଗ୍ରାମୀଣ ଗମନାଗମନ, ସତ ହେବ କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର। ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଗଜପତିର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଗଜପତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଜନା, ସିଏମ୍ଓର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଆମର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଆମର ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବ, ଗାଁକୁ ଗାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଗଜପତିରେ ଆଜି 66 ବସ୍ ଚାଲିବ। ଗଜପତିର 7 ବ୍ଲକର 126 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗଜପତିରେ 69 ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ ଯାଇଛି ଆଉ 64 ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟପେଜର ରେନୋଭେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ବିକାଶର ଆଧାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଘର ପାଖକୁ ଆସିବ ବାସ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ଚାଷୀକୁ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ରୋଗୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବ, ମା ମାନେ ସୁବିଧାରେ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ମାର୍କେଟ ଯାଇପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ଖୁସି ଆଣିବ। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗାଁର ବିକାଶ
ଆମର ଫୋକସ୍। ଏଥିରେ ଗାଁରେ ମିଳିବ ସହରର ସୁବିଧା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ବିକାଶ ହେବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ। ଗଜପତିର ବିକାଶ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଭେଟି ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ, ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 36 ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମିଳୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 68 ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 64 ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନୂଆ ରୂପ, ନୂଆ ରଙ୍ଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ମା'ମାନଙ୍କୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସହଭାଗିତା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ, ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଦୂରତା କମ୍ କରିଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈଭବ ପହଞ୍ଚାଇବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସଂକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଯାହା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ଏ ଦିବସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର, ଆନନ୍ଦର ଏକ ନୂଆ ଅବସର, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମୀଣ ଗମନାଗମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଦୂର ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁଠୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଗମନାଗମନର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧାର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଜୀବିକାକୁ ଯାହା ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ସୁବିଧା। ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ସହିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହିତ, କାହିଁକିନା ସମ୍ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ, କାହିଁକିନା ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ହୁଏ କି ଯାହା ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାର ସମସ୍ତ ତଦାରଖ କରାଯାଏ। ମାଲକାନଗିରିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ବସି ଟୁର୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ସୁବିଧାର ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ପ୍ରଥମ ବସ୍ ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ଏତେ ସୁବିଧା, ଏତେ ଚିନ୍ତା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ମିଶନରେ ସାମିଲ କରିବାର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ, ଆମ ଗ୍ରାମୀଣ ମା'ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଜରିଆରେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ। ଅତିଥିମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଯଥାସ୍ଥାନରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୁସଜ୍ଜିତ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଝୋଟିରେ ସଜାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନ ପାଇଁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୋରଦାର ତାଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇଠି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାକୁ।
ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି କାହାକୁ ବି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ତାଳି ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସମ୍ମାନନୀୟ 5T ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସେବା ପାଇଁ, ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସତ କରି ଦେଖାଇବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। 69 ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ତିଆରି ହେବ, 64 ନୂଆ ବସ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ନୂଆ ରୂପ ରଙ୍ଗ ମିଳିବ ଏବଂ 149 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ପରସ୍ପର ସହିତ। ଇଏ ନୂଆ ସକାଳ ବିକାଶର, ଇଏ ନୂଆ ସକାଳ ଉନ୍ନତିର, ଇଏ ନୂଆ ସକାଳ ସଶକ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଗମନାଗମନର। ଅଭିନନ୍ଦନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ମାନେ ଏସି ନନ୍ ଏସି ଦୁଇଟି ଯାକ ବସ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ନିରାପଦ ଭାବରେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଅଭିନନ୍ଦନ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ସର୍ବୋପରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ପାଇଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ରହିବେ। ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ, ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାର। ଆଉ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାକୁ, ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହାତ ହଲି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କରତାଳି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ। ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ସାରା।